मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ सात कारक, पेज नंबर 32। आइए हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो इसका आंसर है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब यहाँ तो आपको हमने पढ़ाया है संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा क्या कहलाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव या जाति को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कारक की पहचान किससे होती है, चिन्हों से होती है। कारक की पहचान उनके चिन्हों से होती है। अब कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, तो इसका उदाहरण है, रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि चिन्हों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ क्या है, इनका चिन्ह दिए गए हुए हैं। जैसे को है ना, को क्या है, कारक चिन्ह है। के लिए ये भी कारक चिन्ह है, और रिक्शे से भी जो है वो भी कारक चिन्ह है। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम चिन्ह सहित लिखो। तो इसका आंसर है, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं कारक के, फर्स्ट है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब यहाँ साइड में बताया गया है कारक के चिन्ह, तो इसके कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा, संपदान कारक का चिन्ह है के लिए या को, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होना। यहाँ एक के द्वारा मतलब कारण बताया गया है, इसके लिए काम किया गया है ना, और यहाँ पर किसी वस्तु के अलग होने की बात की गई है, तो ये क्या है, अपादान कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे और भी है। अधिकरण है में या पर। संबोधन कारक है या अरे। तो इसे रीड कैसे करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, अपादान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है या हे अरे। ठीक है, तो इस तरह से इसे कारक के चिन्हों को पढ़ा जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर गा देखेंगे, रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुष कलम खालिस्तान लिखता है। तो यहाँ जो से लिखा हुआ है ब्लैंक्स में, तो वो क्या है, कारक चिन्ह है। भिखारी खालिस्तान कुछ दे दो, तो कारक चिन्ह क्या आएगा, को। तो भिखारी को कुछ दे दो। सुनीता दिल्ली में रहती है, जो मैं लिखा है वो क्या है, कारक चिन्ह है। मुकेश सालू का भाई है, तो ये का जो है वो भी क्या है, कारक चिन्ह है। नदी पर्वतों के द्वारा निकलती है, तो ये जो द्वारा लिखा हुआ है वो क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों के कारकों के भेद लिखो। अब यहाँ देखेंगे, तालाब में मछलियाँ थी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कारक के भेद। अब यहाँ पर कारक के चिन्ह दिए हुए हैं, अब उनके उनसे हमें उन कारक के भेद पता करना है कि वो कौन से कारक में है। तो यहाँ जो अंडा जो हमने सर्कल किया है वो क्या है, अधिकरण कारक में। जो कारक चिन्ह है वो किसका है, अधिकरण कारक का है। ठीक है, फिर है कुणाल रोहित के घर गया। यहाँ कुणाल और रोहित ये दोनों में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर क्या आया है, संबंध कारक है। पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ने, और पिताजी जो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से कर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, कर्म कारक है। वह घर से विद्यालय गया, तो यहाँ पर क्या है, करण कारक। हे चंदन यहाँ आओ, ये क्या है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्प सही
का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है फर्स्ट कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने या से, तो यहाँ आएगा बी नंबर ऑप्शन में टिकाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, 7 या 8, 8 भेद होते हैं। किन दो कारकों का चिन्ह से होता है, मतलब दो कारकों के नाम बताए हैं जिनका चिन्ह से होते हैं, अपकरण या अपादान कारक या कर्म या संप्रदान कारक। तो आंसर क्या आएगा, आ नंबर में टिकाएगा करण और अपादान कारक। पिताजी अतुल के लिए कलम लाए रेखांकित का कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का कि आप क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स, कारक के भेद और सही विकल्प अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।